सो एग्जाम फाइनली हो चुके हैं खत्म, अब बारी है पेन को छोड़ के डंबल उठाने की। और अभी मैं फ्रेश होके जिम जा रहा हूँ और उसके बाद ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद खुद ट्रेनिंग लगाऊंगा और शाम को मैंने जाना है हॉस्टल नाइट पार्टी के लिए। तो चलिए शुरू करते। तो टाइम टू ट्रेन, मतलब अभी तो मैं तो शाम को जिम लगाऊंगा, जिम पहुंच गया हूँ और मैं अब अपने अगले काम शुरू करूंगा। तो पैन से डंबल की तरफ जाते हुए वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ दही ये चॉकलेट। तो ये खाने के बाद हम लगाएंगे हमारा लोअर बॉडी का वर्कआउट, क्योंकि संडे को कर ली थी आर्म रेसलिंग और अपर बॉडी तो फटी है क्योंकि फोर आर्म्स फटी है। तो आज हम लगाएंगे अपनी लोअर बॉडी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यार लंजिस, और ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, हम वॉकिंग लंजिस लगाएंगे और इसके हमने 80 से 150 स्टेप पूरे कर देने हैं। पहले खाली लगाएंगे, उसके बाद वेट लेके लगाएंगे लंजिस को। उसके बाद हम हमारे पहले कंपाउंड मूवमेंट बारबल स्क्वाट्स पे आएंगे और पहले लाइट वेट से स्क्वाट्स लगाने हैं, 5 सेट लगाएंगे लाइट वेट से 2। उसके बाद हमने हैवी पे पुश करना है और यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो है वेट दूसरी तरफ नहीं डाला था और ये मिस्टेक हुई और बहुत ही भारी गलती हो जानी, लेकिन भाई मेरे पीछे खड़े थे तो बच गया भाई आज। तो आप भी हमेशा से ध्यान रखें कि अगर आप हैवी स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो भाई पीछे सेफ्टी के लिए एक बंदा आपके पीछे ज़रूर होना चाहिए, और ये बिकॉज ऑफ जो मैंने गलती की थी उसके लिए भी। कई बार वेट सेट नहीं होता, दूसरा बंदा देख लेता है। और आप लगाइए हैवी पुश कीजिए अपने फाइनल सेट्स को। मैं 100 kg के 5-5 रैप लगा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पुराने फॉर्म वापस आने में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये 5 रैप लगा दिए थे और मेरे ख्याल से माइनर सी ही हेल्प होगी मेरे लास्ट में। तो ये हमने कर दिए हमारे स्क्वाट्स डन। इसके बाद आपने लगानी है लेग एक्सटेंशन और 4 सेट लगाने हैं। लेग एक्सटेंशन में आपने एक ही वेट रखना है, मैंने 50 किलो रखा है और इसके मैंने 12-12 रेपिटेशंस के 4 सेट लगा दिए हैं। ना मैं वेट को बढ़ाया ना ही मैंने वेट को कम किया, लेग एक्सटेंशन बहुत ही अच्छी आइसोलेट है। थर्ड वन ऑफ माई फेवरेट, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको पता होगा, तो मैं लगाऊँगा हिप थ्रस्टर, 3 सेट ही लगाऊंगा भाई इसके और 18-18 रैप इसके लगा दूंगा अच्छी तरीके से पूरी फॉर्म के साथ। और फोर्थ हमारी हम लगाएंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, इसके भी सेम भाई 4 सेट लगाने हैं 12 रेपिटेशंस के सेम वेट। और मैं तो भाई पूरी तरह से थक गया हूँ, मतलब सांस चढ़ गई। इसके बाद मैंने लगाए भाई काफ रेसिस, अगर सच बताऊँ तो पूरे भी नहीं लगे क्योंकि सांस चढ़ गई थी और स्ट्रेचिंग की 10 मिनट। आप मेरा फेस देख ही सकते हैं भाई, पूरी तरह से थक गया था। तो यार हमारा वर्कआउट हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और एक बार तो यार मतलब वहाँ पे टेंशन पहुँच गई थी मसल्स की, मतलब अगर आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले ही मैं बेहोश हो गया था ड्यू टू ब्लड प्रेशर की वजह से। तो उसके बाद मैंने आज शुरू किया है हफ्ते बाद, आज भी मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे गया लेकिन वो स्टेबल रहा भाई, इतना बॉडी उस लेवल पे नहीं गिरी क्योंकि मैं हाइड्रेशन का ध्यान रख रहा हूँ, पानी पूरी पूरा पी रहा हूँ। तो इसके बाद मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल, वहाँ पर होगी पार्टी, और पार्टी करके हम करेंगे हमारा ब्लॉग खत्म।